2018 के अपेक्षा सन 2019 में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आंकड़े इस खबर के जरिए आपको दिखाएंगे। अपराध के मामलों में, महिला अपराध के मामलों में सन 2019 में भारी गिरावट आई है। वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में महिलाओं अपराधों पर कुछ हद तक लगाम लगी है। परिवार परामर्श केंद्र की पूर्व सदस्य मनोरमा दास का कहना है कि महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। वह अपने अधिकार पाने के लिए घर से बाहर निकलकर अदालत तक पहुंचती हैं। महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए समाज के जागरूक लोगों को आगे आना चाहिए। परिवार के बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी है कि महिला उत्पीड़न को रोकने में पहल करें। वर्ष 2018 और 2019 का रेशियो कुछ इस तरह हो रहा है। वर्ष 2018 में दुष्कर्म 35, दहेज हत्या 36, छेड़खानी 4, शांति भंग में 134 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2019 में सिर्फ 14 दहेज हत्याएं, 34 छेड़खानी और 3 शांति भंग के महज 99 ही मामले दर्ज किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह कहते हैं कि महिला अपराधों को लेकर पुलिस गंभीर है। पीड़िता की तत्काल शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। दोषियों के खिलाफ पुलिस अदालत में चार्जशीट भेजने के साथ कई मामलों में गवाहों के अदालत में गवाही से मुकरने के कारण आरोपियों को सजा नहीं मिल पाती। वर्ष 2018 की तुलना में अपराधों का ग्राफ कम हुआ है।